महाराष्ट्र से महाविकास अघाड़ी पर एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के संपर्क में एनसीपी के 13 विधायक है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। जी हाँ, बड़ी खबर ये है, अजीत पवार अब बागी विधायकों के जो है अब उनसे बातचीत कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं। जल्द ही बीजेपी में ये बागी विधायक शामिल हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। खबर तो ये भी है कि शरद पवार ने इन विधायकों को मनाने की कोशिशें भी की, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई। ये माना जा सकता है कि जिस तरह से महाविकास अघाड़ी में पहले ही कई तरह की उठापटक है, अब इस बीच ये बागी विधायक और मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, क्या होने वाला है महाराष्ट्र में? देखिए, हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऑन रिकॉर्ड जो है अपनी अपना पक्ष रखते हुए इस बातों को मना कर गई, इनकार कर गई इन कयासों को, लेकिन जो सूत्र है महाविकास अघाड़ी के वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये जो नाराज विधायक है इन्होंने पार्टी में अपनी मांग को लेकर के अपनी बातों को लेकर के कई बार शरद पवार के सामने अपना पक्ष रखने की कोशिश की, लेकिन ये मसला अभी तक जो है हल नहीं हो पाया है और इसीलिए वो अजीत पवार की अगुवाई में लगातार बीजेपी के साथ संपर्क में। वहीं पर दूसरी तरफ जो चुनावी राजनीति के जो जानकार है उनका ये कहना है कि 2-3 अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इन कयासों को ज्यादा जोर दिया जा रहा है। खासतौर से हाल ही में अजीत पवार के खिलाफ जो है एक ईडी जांच चल रही थी, उन्होंने अपनी एक चार्जशीट फाइल की है, उस चार्जशीट में अजीत पवार और उनकी पत्नी दोनों का नाम इंक्लूड नहीं किया गया। ऐसे में महाविकास अघाड़ी के सूत्रों का दावा है कि अजीत पवार और बाकी नेताओं पे ये दबाव बनाया जा रहा है कि बीजेपी विधायकों को मनाने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन अभी तक बात बन नहीं पाई।